जाती है, खासतौर से जब हम बात करते हैं फॉर्च्यूनर की, क्योंकि उस सेगमेंट में एक ही गाड़ी थी जो उसको टक्कर दे रही थी और वो आपको पता ही है। पहली चीज तो मैं यही जानना चाहता हूँ सभी फोर्ड के जो भी ओनर्स हैं उनसे कि जब फोर्ड कंपनी इंडिया छोड़ के गई तो उनको कैसा लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भैया आजकल क्या हो रहा है कि हर इंसान की कीमत हमें जब पता लगता है जब वो हमारी लाइफ से चला जाता है, तो ऐसी एक कंपनी भी थी जो अब हिंदुस्तान से जा चुकी है और अब लोग बागों के क्रेज़ है कि भाई उस कंपनी की इतनी ज़रूरत पड़ती है, खासतौर से जब हम बात करते हैं फॉर्च्यूनर की, क्योंकि उस सेगमेंट में एक ही गाड़ी थी जो उसको टक्कर दे रही थी और वो आपको पता ही है, एंडेवर। तो आज हम बात एंडेवर की नहीं करेंगे लेकिन करेंगे हम फोर्ड की बात। तो आज हमारे पास फोर्ड की एक और गाड़ी है, फोर्ड इकोस्पोर्ट, जो सेकंड नंबर पे इनकी गाड़ी चल रही थी एंडेवर के बाद में, वो थी फोर्ड इकोस्पोर्ट, जिसने कि फोर्ड को संभाला हुआ था। लेकिन दो गाड़ियों पे, दो टायर पे गाड़ी नहीं चल सकती, ना फोर्ड इकोस्पोर्ट और ना एंडेवर। तो इसके लिए कम से कम सभी गाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए था, तो ऐसा हुआ नहीं, इस वजह से फोर्ड को शायद जाना पड़ गया। तो आज हम इसका एक ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं और हमारे साथ इसके ओनर हैं मिस्टर आयुष जी। हाय, हाय भैया। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनको, पहली चीज़ तो मैं यही जानना चाहता हूँ सभी फोर्ड के जो भी ओनर्स हैं उनसे कि जब फोर्ड कंपनी इंडिया छोड़ के गई तो उनको कैसा लगा। थोड़ा दुख हुआ, इनफैक्ट काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज फोर्ड का तो मैं सोच रहा था कि काफ़ी अच्छी सेल्स हैं। इनफैक्ट एंडेवर, क्विगो और इकोस्पोर्ट, सारी गाड़ियाँ इनकी अच्छी बिक्री थी, और मेरे पास पिछली गाड़ियाँ और जो थी वो भी फोर्ड की थी। अच्छा, मेरे पास फोर्ड फिगो भी रह चुकी है, फोर्ड फिएस्टा भी रह चुकी है। फोर्ड लवर हो एक तरह से। फोर्ड, और अगर पैसे और होते तो मैं एंडेवर भी ले लेता पर वो मौका दिया नहीं फोर्ड ने। एक्चुअली सबसे ज्यादा जिनका दुखा है ना, वो उनका दुखा है जिनको एंडेवर लेनी थी, क्योंकि भाई उस सेगमेंट में सिर्फ वही गाड़ी थी जो फॉर्च्यूनर को टक्कर दे रही थी। तो अपने पास जो अभी गाड़ी है ये भाई फोर्ड इकोस्पोर्ट 2016 डीजल है और ये उसका बेस मॉडल है। और आपने भैया गाड़ी कितनी चला दी अब तक? 82,000 के करीब। 82,000 मतलब 10,000 से तो ज्यादा ही, करीबन 13-14,000 किलोमीटर आप साल में चला देते हो। हाँ हाँ। तो ये तो काफी अच्छी रनिंग है, और जब इतनी आपकी गाड़ी चलनी हो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा साल में, तो आपको भी डीजल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सोच के जाना, क्योंकि भाई डीजल की जो है सिर्फ आप 10 साल ही चला सकते हो दिल्ली NCR में, बाकी आप पंजाब से हो या हिमाचल से हो तो वहाँ पे आप शायद 15 साल तक चला सकते हो, लेकिन वो भी पता नहीं सरकार का कब मूड बदल जाए। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे भाई ओनर से इस गाड़ी के बारे में। तो आयुष जी, आपको ये गाड़ी मतलब 2016 में आपने ली थी, कौन से मंथ में ली थी? ये अक्टूबर में ली थी मैंने। अच्छा, अक्टूबर में ली थी। तो उस टाइम पे कितनी कॉस्ट हुई थी गाड़ी? उस टाइम ये ऑन रोड करीबन 8.5-9.5 के बीच में पड़ी थी। अच्छा, देखो वन उस टाइम पे क्या वो था कि 1.5 डीजल इंजन आपको 8.5-9 लाख रुपए में मिल जाता था। अब तो बलेनो का शायद मेरे ख्याल से कोई लोअर मॉडल आएगा उतने में। हाँ बिल्कुल, यही तो अभी क्या है कि इस गाड़ी में जैसे बेस मॉडल था तो इसमें अलॉय व्हील और अपने जो ओ आर वी एम्स और डोर हैंडल तो भैया ये अपने ब्लैक कलर में ही आ रहे थे, और इसमें व्हील कैप आ जाता है क्योंकि बेस मॉडल है और सिल्वर कलर है ये हैं। इसमें काफ़ी और भी कलर के ऑप्शन थे अच्छे अच्छे, रेड और ब्लू कलर मुझे इसका पसंद था ज़्यादा। हाँ जी, सिल्वर में थोड़ा ये कि स्क्रैचेस वगैरह कम दिखते हैं, फिर पापा को सिल्वर बहुत पसंद है। अच्छा, उस टाइम जब आप ये गाड़ी देख रहे थे तो और भी गाड़ियाँ बहुत सारी दिमाग में थी, लेकिन जैसे कि आपने पहले बता दिया कि आप फोर्ड लवर हो तो आपको तो किसी और की तरफ। फोर्ड लवर मैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम नहीं हूँ, एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा था। अच्छा। इस गाड़ी के अंदर उस टाइम इस सेगमेंट के अंदर इट वॉज वेरी वैल्यू फॉर मनी, इतने पैसे के अंदर कोई ऐसी गाड़ी थी नहीं जो इतनी एफिशिएंसी, इतनी माइलेज और ऐसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे रही थी। मतलब इसको चला के जो आपको इसकी हैंडलिंग लगेगी ना, आप इसको चला के भी देखना, इसकी जो हैंडलिंग है, जो इसकी पावर है, अब तो खैर गाड़ियाँ और भी ज़्यादा पावरफुल आ रही हैं, आपके खुद के पास टाइगोन है तो शायद आपको ज़्यादा पावरफुल ना लगे, लेकिन हाँ मैं डीजल की पावर तो पेट्रोल की गाड़ी मैच ही नहीं कर सकती, और मेरे पास टाइगोन जैसे 1.0 है तो डीजल की एक माइलेज को भी मैच नहीं कर सकती पेट्रोल की कोई गाड़ी। अब जैसे कि 215 Nm की टॉर्क हाइब्रिड आ रही है तो उनका तो कह नहीं सकते, लेकिन नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन टाइगोन का तो नहीं, वो एक्चुअली डीजल का कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपने गाड़ी जैसे आपने कितनी चलाई गाड़ी? 82,000। तो एक कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने 80,000 किलोमीटर हम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 80,000 किलोमीटर चलाते हैं उससे पहले ही गाड़ी सेल आउट कर देते हैं। नहीं नहीं, इसको अगर मैंने बेच दिया तो इस परफॉर्मेंस की और इस प्राइस की और इस वैल्यू की कार मुझे मिलेगी नहीं दोबारा। बिल्कुल, क्योंकि इसको मजबूरी में बेचना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसके 10 साल जब हो जाएंगे तो मेरे को निकालनी पड़ेगी। हाँ, अभी 4 साल आप और चला सकते हो, मजबूरी में ही निकालनी पड़ेगी, अगर अदरवाइज मैं तो इसको कंप्लीट इसकी एंड ऑफ लाइफ तक चलाता है इसको, क्योंकि इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है ऐसी। तो अभी आपने टायर इसके एक बार चेंज कराए हैं या उसके बाद भी? टायर मैंने इसके अभी रिसेंटली चेंज कराए हैं, मैंने अपने चैनल के ऊपर, बाय द वे मेरा भी एक चैनल है मेरे नाम से, आयुष तनवर के नाम से, तो उसके ऊपर मैंने एक
वीलॉग भी डाला हुआ है. अच्छा. जिसके अंदर मैंने टायर्स के अंदर क्या स्कैम हो सकता है वो भी कवर करा हुआ है. ओके. सो रिसेंटली मैंने इसके टायर्स चेंज कराए थे, तो इसके जो पिछले टायर्स थे वो व्हीटस्टीन के टायर थे एंड वो टायर 80,000 किलोमीटर चल गए. हाँ, तो इसमें 195/65 R15 आपको टायर साइज मिल जाता है. और भाई ग्राउंड क्लियरेंस इसकी आप बता रहे थे 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस. कहीं नहीं टिकी, कुछ नहीं हुआ और काफी पानी में से भी निकल चुकी है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आई. बस एक बार एक दिक्कत आई थी इसमें, इसके इंजन के नीचे एक शीथ होती है फैब्रिक की, तो वो निकल गई थी. उसके कुछ लॉक्स थे वो टूट गए. हाँ, लॉक्स की वजह से पानी उसमें चला गया था, तो पानी की वेट की वजह से वो गीली हो गई थी, तो डेंसिटी बढ़ गई थी, तो नीचे गिर पड़ी. तो उसके मेरे को लॉक्स चेंज कराने पड़े थे और दोबारा लगाना पड़ा था. उसके अलावा इसमें वो पानी की फ्लो की वजह से वो प्रॉब्लम आई थी, अदरवाइज 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा हो जाती है भाई. बिल्कुल. तो ये एक मिड साइज एसयूवी थी अपनी भाई फोर्ड की. अब तो क्या ही कहें, अब तो जिनके पास है उनके पास है, उनको ही पता है कि क्या मजा है फोर्ड का. आने वाली जनरेशन शायद ही जान पाए फोर्ड का मजा. तो भाई जैसा कि आपको बताया कि भाई बेस मॉडल है, तो इसमें नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं आपको, फोक लैंप नहीं मिलते बेस मॉडल में, क्योंकि किसी में भी नहीं आते शायद. चलो गाड़ी के बैक साइड में चल के दिखाता हूँ आपको. इसमें एक सफारी टाइप की लुक आती है जब ये वाला टायर हम यहाँ पे देखते हैं. इसकी स्टेपनी, इसमें दोनों ऑप्शन आते थे, स्टेपनी आप लेना चाहो तो यहाँ पे भी ना आयुष भाई. हाँ, ये व्हील कवर जो था ये एक एक्सेसरी थी, दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट. ओके. लेकिन मैंने बहुत सारी अपनी फोर्ड इको ही देखी है कि बहुत सारी जो स्टेपनी होती है ये अंदर ही हो जाती है या नीचे होती है. नहीं, दो तरह का मैंने देखा है फोर्ड इको स्पोर्ट में. हमारे मेरे हिसाब से तो सिर्फ यही था इसके अंदर, अंदर वाला ऑप्शन तो मैंने देखा नहीं. शायद मैंने दे देखा ऐसा लग रहा है मेरे को. अच्छा, आप खुद खोलोगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप खोल दीजिए. अच्छा, बूट स्पेस दिखा देते हैं थोड़ा सा. ये बूट स्पेस है इसका, 352 लीटर्स का बूट स्पेस है इसका, तो काफी 352 वो ब्रेजा के सेगमेंट का बूट स्पेस आ जाता है. 328 है शायद ब्रेजा में, अंडर 4 मीटर है ना, तो ये एक्चुअली ब्रेजा की कंपटीटर थी. हाँ, क्योंकि 8.5-9 लाख रुपए में उस टाइम पे ब्रेजा भी डीजल में आ रही थी, अब तो खैर नहीं आ रही है. तो आपके पास ब्रेजा भी एक ऑप्शन था. ब्रेजा एक ऑप्शन तो था, बट जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये कार ऑफर कर रही थी वो मारुति की गाड़ी ऑफर नहीं कर सकती. आप इसके डोर का थर्ड देखो एक बार. हाँ बिल्कुल, क्योंकि साउंड इसी से पता लग जाता है आपको, थोड़ी सी आइडिया हो जाता है कि बिल्ड क्वालिटी क्या चीज है भाई. अब इस गाड़ी के अंदर चलते हैं. आइए आयुष भाई. हाँ. तो जो पहले की चीज होती थी ना, वो कहते हैं ना कि भाई मजबूत चीज होती थी पहले के टाइम में, आजकल तो ऐसे ही थोके पकोड़े आते हैं. आजकल थोड़ा कॉस्ट कटिंग बहुत हो रही है, कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा होती है. तो इसका जो इंटीरियर देखने में लग रहा है, फ्रंट डैशबोर्ड ये ओल्ड स्कूल टाइप थोड़ा सा है, क्योंकि इस टाइप का आजकल तो इंटीरियर शायद ही किसी गाड़ी में देखने. गाड़ी के फीचर्स के बारे में मामले में मैं कहूंगा कि उतनी ज्यादा फीचर रिच नहीं है, बट यूटिलिटेरियन है. सारी चीजें यूटिलिटी की है, रोजमर्रा की जिंदगी में आपके इतनी ही चीजें काम आएंगी. एक चीज है जो मुझे लगता है कि इसमें अगर होती तो थोड़ी लाइफ कंफर्टेबल होती, एक है रेयर पार्किंग सेंसर जो कि आजकल हर गाड़ी में आ रहा है. उस टाइम 2016 में इट वाज नॉट अ नेसेसिटी. बिल्कुल, रेयर व्यू कैमरा अगर आ जाता तो दो चार चीज अगर होती तो थोड़ा चलाने में सहूलियत हो जाती. थोड़ा सा जो आप कह रहे हो सेंसर और वो वैसे भी बेस मॉडल में कौन ही कंपनी देती है, मेरे हिसाब से तो शायद ही कोई देती हो. लेकिन आजकल क्या है कि सेंसर वगैरह तो देने लग गए हैं बेस मॉडल में भी. तो है वो तो मैंडेट है गवर्नमेंट. हाँ बिल्कुल, वो अब हुआ है. अच्छा, इसका डैशबोर्ड की बात करें तो यार ये और गाड़ियों से बिल्कुल अलग है भाई. और गाड़ियों में क्या होता है, थोड़ा सा बॉक्सी लुक होता है, ऐसे प्लेन होता है, लेकिन इसमें क्या स्टोरेज बनाने के चक्कर में काफी कर्व लुक. हाँ, कर्व लुक दे रखा है और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है. यहाँ पे शायद यहाँ पे वॉच वगैरह आती होगी. यहाँ पे जो था कि जो बेसिकली टॉप मॉडल था तो यहाँ पे एक स्क्रीन आ जाया करती थी. ये बेस मॉडल है तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले है इसके म्यूजिक सिस्टम का. ओके. बस ये डिफरेंस है कि यहाँ स्क्रीन आती थी उस टाइम. हाँ, तो ये तो अब हम तो सिर्फ स्टोरेज मानेंगे बेस मॉडल में इसको. स्टोरेज ही है, तो स्टोरेज आपको यहाँ पे और भी मिल जाती है. हाँ जी, यहाँ पे. अच्छा, ये क्या चीज है भाई? ये वैसी है जी डिजाइन एलिमेंट. यहाँ से मतलब ऐसा कुछ वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं, वेंटिलेशन नहीं है. तो यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मिल जाता है स्पीडोमीटर, मिल जाता है. बीच में बस एक छोटा सा डिस्प्ले है हल्का सा, जो आपके क्या बोलते हैं एवरेज माइलेज बता देता है. okay. आपका ट्रिप मीटर बता देता है. बस एक ये कमी है कि इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी नहीं आता. okay. वो अगर डाल देते तो, अच्छा. आपने माइलेज की बात छेड़ी दी है, तो आप माइलेज और बता दीजिए कि आपको डीजल में क्या माइलेज मिल रही है. लोकल अगर मैं चलाता हूँ इसको शहर में तो मैं तो 15-16 निकाल लेता हूँ. पापा तो 18 से भी ऊपर निकाल लेते हैं सिटी में विद एसी. एंड हाईवे पे तो मेरे ख्याल से जो इसकी क्लेम्ड माइलेज है उससे ज्यादा निकाल रखी है.
डीजल में ऐसा ही होता है। जी। डीजल में क्या होता था, मेरे पास जैसे क्रेटा थी तो उसकी माइलेज भी उससे ज्यादा चली जाती थी जो कंपनी क्लेम करती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आपको 5 गियर ट्रांसमिशन आपको गियर बॉक्स मिलता है इसमें। हाँ जी, उस टाइम क्या है ना कि ऑटोमेटिक था ही सिर्फ टॉप वेरिएंट में, टाइटेनियम प्लस में। हाँ, बाकी सब में मैनुअल था और और ऑटोमेटिक उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, ज्यादा लोग मैनुअली लेते थे। बिल्कुल, मोस्टली गाड़ी में आपने देखा होगा कि चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पे आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे बिल्कुल सेंटर इसमें में चार्जिंग पोर्ट नहीं है, इसमें पावर सॉकेट है। बिल्कुल, क्योंकि ये बेस मॉडल है तो इसमें आपको वो नहीं मिलता। यहाँ पे आपको ऑक्स मिल जाती है, ऑक्स केबल, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का। हाँ जी, और ये यूएसबी है यहाँ पे, ये चार्ज नहीं कर सकता। हाँ, मतलब चार्ज करेगा भी तो 1 घंटे में 2% चार्ज होएगा, तो वो नाम का चार्जर है, लेकिन ये सिर्फ पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको फिर भाई हैंड ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये सैनिटाइजर जो है कोविड के टाइम के रखे हुए हैं। हाँ भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। अच्छा, सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट आपको कैसा लगता है इस गाड़ी का? सीटिंग कंफर्ट जी मेरे को काफी अच्छा लगता है। और तो आपने इसमें कवर वगैरह कुछ नहीं लगवाया? नहीं जी, कुछ नहीं, 2016 से यही चल रहे हैं। अच्छा, काफी अच्छा है यार। एक्चुअली ये इस टाइप के जो सीट कवर होते हैं ना, मुझे पर्सनली वैसे ही पसंद है यार। हाँ। क्योंकि लेदर के जो होते हैं, अपने दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो भाई काफी हीट हो जाते हैं। आपको सीट्स कैसी लग रही हैं पर्सनली खुद? मुझे सीट कुशन इसका काफी अच्छा है यार, फोम जो है काफी अच्छी है, सॉफ्ट फोम है। हाँ, थोड़ा ठीक है ये। हाँ, एडजस्ट हो जाती है आपके हिसाब से। जो हेडरूम और वो सब है वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। अच्छा, इसमें ये ग्लव बॉक्स आता है, उसमें भी 2 स्टोरेज दे रखा है इस तरह से, और एक यहाँ पे दे रखा है। तो ये भी काफी बड़ा लग रहा है साइज। नहीं, साइज काफी बड़ा है इसका ग्लोव बॉक्स का। इसमें एक्चुअली आर्मरेस्ट नहीं आता ना? नहीं, आर्मरेस्ट इसके नहीं, मैंने सुना है कि शायद टॉप मॉडल में भी आर्मरेस्ट नहीं है। टॉप मॉडल का तो मेरे को आइडिया नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें टॉप मॉडल था या जो भी था, इससे ऊपर मॉडल था, उसमें भी आर्मरेस्ट नहीं था। हाँ, ये जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कैमरा हो गया या आर्मरेस्ट हो गया, ये चीजें पहले इतनी जरूरी मानी नहीं जाती थी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अभी देखें तो भाई IRVM मिल जाते हैं आपको मैनुअली, और आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है आगे, और एक पीछे लाइट इसमें काफी पीछे दी हुई है यार। वो हाँ, किस लिए वो तो समझ में नहीं आ रहा, वो किस के लिए है? ट्रंक के लिए और रियर पैसेंजर्स दोनों के लिए कंबाइंड वहीं पे लगी है। हाँ, अदरवाइज लाइट हमने देखी कि सेंटर में होती है, इसमें ऐसा नहीं है। एडजस्ट कर लेते हैं अपने हाइट के हिसाब से पहले तो थाई स्पोर्ट भी काफी ठीक ठाक है। थाई स्पोर्ट यार, मेरी हाइट 6'2" आपको बताइए, तो हेडरूम आप देखो कितना ज्यादा मिला हुआ है, तो 6'2" की हाइट के हिसाब से इतना हेडरूम काफी अच्छा है। और इसमें भी लाइट्स के कंट्रोल सेम पे दिए हुए हैं जैसे टाइगन वगैरह में दिए जाते हैं, और वाइपर कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं, और इंडिकेटर के वो राइट साइड में मिल जाते हैं। अब चलते हैं पीछे वाले रो में। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने जो ड्राइविंग सीट थी अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी थी, उस हिसाब से देखते हैं तो उस हिसाब से इसका भाई जो लेग रूम है वो बिल्कुल भी नहीं बचा मेरी हाइट के हिसाब से, तो काफ़ी ये तो दिक्कत है। वही फोर्स ब्रेजा के सेगमेंट की गाड़ी है, 4 सब मीटर, तो उसमें इस तरह की दिक्कत आ सकती है। और ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था ओल्ड स्कूल टाइप, तो उसकी याद बिल्कुल हमें आती है, पहले की गाड़ियों में इस तरह से ही होता था। ये एक सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कई बार आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है और नहीं खुल रही है, तो आप इस तरह के शीशे डाउन करके बाहर जा सकते हो एमरजेंसी में सिर्फ। अच्छा, इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पीछे बेस मॉडल है तो आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता, और पीछे भी हेडरूम बस ठीक ठाक ही मिलता है, हेडरूम भी इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी मुझे हेडरूम से इतनी शिकायत नहीं है जितनी मुझे लेग रूम से शिकायत है, तो ये तो मेरे पैर बिल्कुल टच हो गए हैं। तो अब जैसे कि इसको मैं बता ही रहा था आपको, 1.5 डीजल इंजन आता है इसमें पड़ेगा। तो डीजल इंजन जब भी किसी गाड़ी में बात करते हैं तो भाई उसमें साइड का स्पेस तो कुछ बचता नहीं है, तो वैसे ही कुछ इसमें है। यहाँ पे कुछ कवर वगैरह मिल नहीं रहा है, बाकी साउंड अंदर ना जाए उसके लिए यहाँ पे कवर दिया गया है। और भाई ये 6 साल पुराना इंजन है और 82,000 लगभग गाड़ी चल चुकी है। तो अब कस्टमर से जानेंगे, ओनर से जानेंगे, एक्चुअली कस्टमर तो क्या हम गाड़ी बेच रहे हैं, फोर्ड के जाने के बाद आपको कैसी, मतलब इसके जो आप बता ही रहे हो कि आपको बुरा लगा हो कि भाई फोर्ड गाड़ी, फोर्ड कंपनी एक्चुअली चली गई है इंडिया से, उसके बाद आपको कैसी सर्विस मिल रही है? सर्विस में क्या कुछ चेंज मिला आपको? नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं है, बल्कि मेरे पास तो फोर्ड के सर्विस स्टेशन से कॉल आते रहते हैं बीच बीच में, काफ़ी फॉलो अप करते हैं वो। अच्छा, उनके पास रिकॉर्ड में है ना कि मेरे पास फोर्ड व्हीकल है,
तो उनका बीच में कोई व्हाट्सएप मैसेज या कॉल आ जाता है कि जी आपकी सर्विसिंग ड्यू है, आपका ये ड्यू है या कुछ और। और जैसे एक बार मेरी फोर्थ वीक थी तो मैं उनकी किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने थोड़ी कंप्लेंट रेज करी थी, तो उन्होंने मेरे को एक कुछ वाउचर दिया था कि आप फ्री में आके अपनी कार वॉश करवा सकते हैं। तो सर्विस ठीक है। तो जैसे कंपनी जैसे यहाँ से चली गई है फोर्ड, और उस जैसे कि अब 2020 में शायद कंपनी चली गई थी, तो 2020 में जिन्होंने गाड़ी ली थी तो क्या उनको वो 10 साल की सर्विस वो कह रहे हैं कि देखी गई है कि भाई 10 साल तक कंपनी के जो सर्विस सेंटर यहाँ पे रहेगा। हर ऑटो मेकर के लिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनफैक्ट अगर कोई कार भी मॉडल चल रहा है और वो बंद हो जाता है तो उसके स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे कार मेकर को। बिल्कुल, क्योंकि जैसे डीजल गाड़ी है तो भाई 10 साल तो चलेगी अभी, और उसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी कराना, सर्विस कराना, ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। तो ये एक तो काफी अच्छी चीज है देखा जाए तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई वो, लेकिन हाँ अगर कोई एक सेगमेंट है कस्टमर फिर भी प्रोटेक्टेड रहता है, उसको स्पेयर पार्ट मिल जाता है, सर्विस मिल जाती है, बट एक सेगमेंट है जिसको हिट मिलता है वो है डीलर्स। डीलरशिप्स की थोड़ा मैंने काफी न्यूज आर्टिकल्स पढ़े थे तो उन्होंने बहुत शिकायत करी थी कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें घाटे में छोड़ के चली गई कंपनी। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जब भी हम जैसे एक छोटे से रूम की भी बात करें, जब भी हम मान लो आप एक रूम के ओनर और आपने अपना रूम रेंट पे दिया हुआ है, तो हम भी उसको एक महीने या दो महीने का टाइम देते हैं, तो इन्होंने ऐसा कोई टाइम नहीं दिया है, ये सडनली चली गई है। तो भाई काफी दुख उनको भी है जिन्होंने फोर्ड की गाड़ी ले रखी है, और काफी दुख हमें भी है जब हम चाहते हैं कि हमारे पास भी एंडेवर होती। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको इस चैनल के माध्यम से कि हालांकि फोर्ड छोड़ के गई है, लेकिन इनकी फोर्ड मस्टैंग जो थी उसके प्राइसेस बढ़ गए थे सेकंड हैंड मार्केट में। सेकंड हैंड मार्केट में वो थोड़ी सस्ती मिलती थी, फोर्ड के जाने के बाद स्कैर्सिटी हो गई। ऐसा ही एंडेवर, सेम एंडेवर के साथ भी सेम हुआ है ऐसा ही। जबकि होता क्या है कि कोई कंपनी बाहर चली जाती है इंडिया से या किसी भी देश से, तो ऑटोमेटिकली उन गाड़ियों के प्राइस सेल्स डाउन हो जाती है। सेकंड हैंड हुआ था, डेबू के साथ हुआ था, तो शेवरले सेल और जितनी भी और गाड़ियां थी, डेवो मटी, सबके रेट बहुत गिरे थे। फोर्ड के साथ उल्टा हुआ, फोर्ड के साथ उल्टा हुआ, इनके प्राइसेस बढ़ गए, बढ़ गए, क्योंकि सबको पता था जो ये प्रोडक्ट दे रहे थे उस प्राइस सेगमेंट में तो वो भाई मैचेबल नहीं है किसी के साथ भी। तो ये थे आयुष भाई और ये थी इनकी फोर्ड इको स्पोर्ट, और ये था इनका कुछ एक्सपीरियंस। ऐसे भी कुछ फोर्ड लवर हैं जिनको भाई फोर्ड के जाने से काफी दुख है, तो भाई फोर्ड आ जाओ इंडिया में वापस। और जो जो भाई को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हम तुम यात्री।